Hello students, good morning. So today in this lecture I will complete the remaining syllabus of basic mechanical properties of materials. So let's see. So hum ab baat karenge toughness ki. What is toughness? Why it is important from our examination point of view? Toughness, it is the area under the stress strain curve up to the point of fracture. देखिए toughness क्या होती है. अगर toughness आपको निकालना हो, आपको stress दे रखा हो, आपको strain दे रखा हो, ठीक है. stress की आपको value पता है किसी point पे, और strain की अगर आपको value पता है किसी point पे, तो आप just उसके नीचे का अगर area calculate करेंगे तो वो आपको toughness निकाल के दे देगा. जैसे यहाँ पे आपको दो graph दिख रहे हैं, एक blue color का है, एक रेड कलर का है, ठीक है. एक ब्रिटल मटेरियल के लिए है, एक डक्टाइल मटेरियल के लिए है. तो जब आप ए बी सी इस एरिया को कैलकुलेट कर लेते हैं, या फिर ए बी डैश और सी डैश इस एरिया को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो जो वैल्यू इस एरिया की होगी वो आपकी टफनेस होगी मटेरियल की. तो जाहिर सी बात है, हमें पता है ब्रिटल मटेरियल की टफनेस कम होती है डक्टाइल से, तो एरिया भी उसके अंदर कम होगा. फिर बोलता है ये, फॉर अ मटेरियल टू बी टफ इट मस्ट डिफ्ले बोथ स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी. मान लीजिए कोई मटेरियल टफ है तो स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा लोड बियर कर सकने वाला होना चाहिए. साथ के साथ उसकी डक्टिलिटी, मतलब लोड के अंदर टूटना नहीं है डायरेक्ट, उसको डिफॉर्म होगा पहले, उसके बाद टूटेगा. डक्टाइल प्रॉपर्टी की यही खासियत है कि इट विल नॉट डायरेक्टली ब्रेक, फर्स्ट इट विल शो सम डिफॉर्मेशन, आफ्टर शोइंग डिफॉर्मेशन दैन इट विल ब्रेक. ठीक है. डक्टाइल मटेरियल्स आर टफर देन ब्रिटल वंस. सो बाय दिस डेफिनेशन वी कैन अंडरस्टैंड दैट डक्टाइल मटेरियल विल बी मोर टफ देन ब्रिटल मटेरियल्स. सॉरी, लेट्स कंटिन्यू. तो यहाँ से हम एक जनरल आइडिया हो रहा है कि किस तरह से हम लोग टफनेस को मेजर करेंगे. बेसिकली टफनेस वो चीज, वो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की विच कैन बियर इम्पैक्ट्स. मान लीजिए आपके पास स्टील का कोई स्लैब है, उसके ऊपर से अगर आप एक आयरन की बॉल गिराएंगे, देन देर आर वेरी वेरी सर्टेन चांसेस दैट इट विल नॉट ब्रेक अपार्ट, बेसिकली इट विल होल्ड इटसेल्फ. लेकिन अगर वहीं कांच का ग्लास हो, या फिर कोई ऐसा मटेरियल हो जो ब्रिटल हो, तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा. So toughness means that the material will able to absorb the load, absorb the force. ठीक है, force को, load को वो absorb कर पाएगा अगर ज़्यादा tough होगा तो. तो the stress strain curve plotted for both material types. आपको stress और strain curve दिख रहा है यहाँ पे. तो अगर आपको सिर्फ diagram से देख के बताना हो कि किसकी ज़्यादा toughness होगी, आपको तीन चार curve दे दिए गए हों और आपसे पूछा जाए stress और strain में कि विच मटीरियल विल बी मोर टफ, दैन यू कैन जस्ट लुक एट द एरिया एंड यू कैन जस्ट टेल दैट दिस मटीरियल विल बी मोर टफ. द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स आर प्लॉटेड फॉर बोथ मटीरियल टाइप्स. इवन दो द ब्रिटल मटीरियल हैज हायर यील्ड एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट हैज़ अ लोअर टफनेस दैन डक्टाइल वन बाई वर्च्यू ऑफ लैक ऑफ डक्टिलिटी. देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमें पता लग रही है कि ये बोल रहा है कि ब्रिटल मटीरियल होता है जो, उसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कंपैरेटिवली, वो आपके डक्टाइल मटेरियल से ज़्यादा होती है. यील्ड का मतलब व्हेन द परमानेंट डिफॉर्मेशन विल बिगिन. ठीक है, जब परमानेंट डिफॉर्मेशन बिगिन होता है, वो जो पॉइंट होता है जिस लोड पे परमानेंट डिफॉर्मेशन आपका ब्रिटल मटेरियल बिगिन होगा, दैट पॉइंट इज हायर फॉर ब्रिटल मटेरियल एज कम्पेयर टू द डक्टाइल मटेरियल. लेकिन अगर आप डक्टिलिटी की बात करते हैं तो वो ज़्यादा है किसकी, आपकी डक्टाइल मटेरियल की. एंड दैट इज़ द रीज़न द टफनेस इज मोर फॉर द डक्टाइल मटेरियल. और टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ आप लोगों को लास्ट लेक्चर्स में बता चुका हूँ मैं. जो भी स्ट्रेंथ आपकी, जो भी चीज़ आपकी, मतलब जिस पॉइंट पे आपका जो टेंशन लगा रहे हैं आप, टेंशन लगाने के बाद जो डिफॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, जिस पॉइंट पर डिफॉर्मेशन इज़ अबाउट टू यू नो इंड्यूस्ड इन द मटीरियल, दैट पॉइंट इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटीरियल. टेंसाइल स्ट्रेंथ लगाएंगे डक्टाइल मटीरियल जो होगा आपका कंपैरेटिवली जल्दी डिफॉर्म हो जाएगा. ब्रिटल मटीरियल डिफॉर्म बहुत कम होगा लेकिन टूट जाएगा. लेकिन जिस पॉइंट पे वो कंडीशन आएगी, वो आपके डक्टाइल मटीरियल के लिए पहले आएगी और ब्रिटल मटीरियल के लिए बाद में आएगी. ठीक है.
ठीक है, तो आगे चलते हैं. मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या होता है? लेट्स लुक इनटू दिस. मॉडुलस ऑफ टफनेस इज़ अ वर्क डन ऑन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल एज द फोर्स इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम जीरो टू एफ. देखिए, मॉडुलस ऑफ टफनेस ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए मैं समझा रहा हूँ. ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है? दिस इज़ मे बी कैलकुलेट एज द एरिया अंडर द एंटायर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. ठीक है, द टफनेस ऑफ मटेरियल इज इट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट कॉजिंग इट टू ब्रेक. देखिए, मॉडुलस ऑफ टफनेस वो एरिया होता है कंप्लीट स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जहाँ पे मटेरियल फेल हो रहा है उस पॉइंट तक, जहाँ पे मटेरियल फेल होता है उस पॉइंट तक जितना भी एरिया आपके स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व के नीचे आता है उस टोटल एरिया को हम मॉडुलस ऑफ टफनेस के नाम से जानते हैं. मॉडुलस ऑफ टफनेस सिर्फ ये दिखाता है कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है मटेरियल. ओके, सो इट इज़ अ पैरामीटर, इट इज़ अ क्राइटेरिया विच विल टेल यू दैट हाउ मच एनर्जी द मटेरियल कैन एब्जॉर्ब. इसलिए हम मॉडुलस ऑफ टफनेस को यूज़ करते हैं. सो नाउ टफनेस की डेफिनेशन फिर एक बार दे रखी है इसने. द टफनेस ऑफ अ मटीरियल इज इट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट कॉजिंग इट टू ब्रेक. देखिए, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है फेल होने से पहले, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था क्लास के अंदर कि इफ़ देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉय ही कैन टेक टू और थ्री पंचेस, बट इफ़ देर इज़ अ बॉय विच हु इज़ अ वीक फ्रेजाइल देन ही माइट यू नो कोलैप्स इन जस्ट वन पंच. सो ही इज़ नॉट एबल टू एब्जॉर्ब द एनर्जी. तो आप समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल से कि कौन ज़्यादा टफ होगा कौन ज़्यादा टफ नहीं होगा. ऐसा भी होता है, कई लोग होते हैं स्टील बॉडी वाले होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन इन जनरलाइज जो बात हो रही है. नाउ विल टॉक अबाउट द हार्डनेस. व्हाट इज़ हार्डनेस? इट इज़ अ मेजर ऑफ मटीरियल्स रेजिस्टेंस टू लोकलाइज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, एग्जाम्पल अ स्मॉल डेंट और अ स्क्रैच. देखिए, जितना ज़्यादा हार्ड होगा मटीरियल उतना ज़्यादा वो रेजिस्ट करेगा स्क्रैच को. मतलब एक हार्ड मटेरियल जैसे आपके नाखून हैं, ठीक है, वो बहुत आसानी से कागज़ के ऊपर स्क्रैच कर सकते हैं. क्यों? बिकॉज योर नेल्स आर हार्डर देन पेपर. बट उसी जो उसी तरह इसी एग्जाम्पल से अगर हम बात करें तो एक चाकू है तो वो आपकी टेबल पे, आपकी जो वुडन टेबल है उस पर स्क्रैच कर सकता है, बिकॉज स्टील इज़ हार्डर देन वुड. इसी तरह से डायमंड है, डायमंड आपके स्टील पे भी स्क्रैच कर सकता है. वाई? बिकॉज डायमंड इज़ इवन मोर हार्डर देन स्टील. सो हार्डनेस इज़ द प्रॉपर्टी जिससे हम ये देखते हैं, जानते हैं कि कौन सा मटेरियल ज़्यादा हार्ड है कंपैरेटिवली. कौन ये प्रॉपर्टी आपके कहाँ पे यूज़ होगी? ये प्रॉपर्टी आपकी होती है मशीनिंग के अंदर यूज़. ठीक है, जो मशीनिंग टूल्स आपके होते हैं दे आर मेड इन रिलेटिव हार्डनेस टर्म्स. सो इफ़ यू आर डूइंग मशीनिंग ऑन अ मटीरियल विच इज़ कंपैरेटिवली लेस हार्ड देन इट इज़ पॉसिबल, बट इफ़ यू आर डूइंग मशीनिंग हुज हार्डनेस इज़ मोर देन द टूल विच यू आर यूजिंग दैन द मशीनिंग विल नॉट बी परफॉर्म एंड योर टूल विल वेयर आउट एंड द रिजल्ट विल नॉट बी सेटिस्फैक्ट्री. सो लेट्स कंटिन्यू. आप कैसे मेजर करते हैं हार्डनेस को? रॉकवेल टेस्ट है इसके लिए, मेजर करवाता है आपको हार्डनेस के लिए. ठीक है, द रॉकवेल टेस्ट कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट कॉमन मैथड यूज टू मेजर हार्डनेस. इट इज़ वेरी सिंपल टू परफॉर्म एंड रिक्वायर्स नो स्पेशल स्किल्स. अदर वेल नोन टेस्ट इज ब्रिनल टेस्ट होता है. दीज टेस्ट आर नॉट इन योर सिलेबस बट सिर्फ इसलिए कि अगर आपको जिज्ञासा हो तो यू कैन सर्च ऑन द इंटरनेट वाट इज़ रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट एंड वाट इज़ ब्रिनल टेस्ट. बट मैं बता सकता हूँ आपको कि रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट के अंदर आप इंटेंड करने की कोशिश करते हैं, मतलब एक उसको मटेरियल को लेंगे या वर्क पीस को लेंगे दूसरे मटेरियल के ऊपर, उसको उसके अंदर दबाने की कोशिश करते हैं या फिर थोड़ा स्क्रैच करने की कोशिश करते हैं, उससे आपको पता लग जाता है कौन सा कितना हार्ड है. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द कोर रिलेशन बिटवीन हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ. तो हार्डनेस के बीच में और आपके टेंसाइल स्ट्रेंथ के बीच में क्या रिलेशन है ये देख लेते हैं. बोथ टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस आर इंडिकेशंस ऑफ अ मेटल्स रेजिस्टेंस टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. देखिए, अगर ज़्यादा हार्ड है मेटल और ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि परमानेंट डिफॉर्मेशन को वो रेजिस्ट करेंगे, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन में वो नहीं जाना चाहेंगे. बिकॉज ये इंडिकेट करते हैं, देखिए मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं या मटेरियल्स की प्रॉपर्टी जो पढ़ रहे हैं हम लोग, दीज ऑल प्रॉपर्टीज़ विल ट्राई टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ मटीरियल्स. ओके, वाई अ मटीरियल इज बिहेविंग इन वन पर्टिकुलर वे एंड नॉट इन अनदर वे बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, जैसे हार्डनेस हुई, डक्टिलिटी हुई, प्लास्टिसिटी हुई.
तो यह हार्डनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ के बीच में यही रिलेशन है कि अगर हार्ड होगा मटेरियल और टेंसाइल होगा तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विच इज़ परमानेंट डिफॉर्मेशन उसको ज़्यादा रेजिस्ट करेगा। कॉन्सिक्वेंटली दे आर रफली प्रोपोर्शनल। और हार्डनेस और आपका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उनमें अगर रिलेशन निकालते हैं तो दे आर ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज़्यादा हार्ड होगा उतना ज़्यादा ही टेंसाइल स्ट्रेंथ को रेजिस्ट करेगा। सो नाउ विल टॉक अबाउट द फटीक। आई थिंक बोथ दिस टॉपिक्स आर क्लियर। सो फटीग क्या होता है? देखिए, जब भी कोई मटेरियल आप यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर आप टर्बाइंस यूज़ करते हैं, टर्बाइंस की ब्लेड्स होती हैं, आप इलेक्ट्रिकल मोटर्स यूज़ करते हैं, उसके अंदर आपका जो रोटर होता है वो रोटेट करता है बहुत ज़्यादा हाई आरपीएम पे। तो व्हाट विल हैपन इन दीज सिचुएशंस, द रोटर विल कम इन टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेसेस विल बी अप्लाइड ऑन द रोटर एंड दीज स्ट्रेसेस एट टाइम्स विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मीन्स देयर नेचर विल चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और फ्रॉम न्यूट्रल टू पॉजिटिव देन अगेन टू न्यूट्रल देन टू पॉजिटिव और अगेन फ्रॉम न्यूट्रल टू नेगेटिव एंड न्यूट्रल टू अगेन नेगेटिव। सो द साइकिल विल बी देयर, एक साइकिल साइक्लिक फॉर्म के अंदर स्ट्रेस जनरेट होता है, एक बार ज़्यादा एक बार कम, एक बार ज़्यादा एक बार कम। फटीग आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, मैंने क्लास के अंदर भी एक्सप्लेन किया था। सो आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन कि अगर एक बच्चे को आप उठक बैठक लगाने के लिए बोलें 10 मिनट्स के लिए तो वो नहीं लगा पाएगा, लेकिन उसको आप बोलें कि 1 घंटा भी खड़ा रहे वो खड़ा रह सकता है। वाई? क्योंकि उठना और बैठने का मतलब आप रिपीटेटिव स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं, आपके एक बार कंप्रेशन हो रहा है, एक बार आपका टेंशन हो रहा है, ठीक, कंप्रेशन और टेंशन। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी जल्दी थकती है, तो आपके जो बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड जनरेट होता है दैट मेक्स यू कि हाँ हम थक गए हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड वाई अ मटीरियल फील्स अर्ली इन फटीग दैन इन नॉर्मल सिचुएशन। इसीलिए फटीग फेलियर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है जहाँ भी हमारे पास रिपीटेटिव स्ट्रेसेस होती हैं। सो लेट्स लुक, द मेजॉरिटी ऑफ इंजीनियरिंग फेलियर्स आर ड्यू टू फटीग। इट इज़ डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ अ मटीरियल टू फ्रैक्चर बाई मीन्स ऑफ प्रोग्रेसिव ब्रिटल क्रैकिंग अंडर रिपीटेटिव ऑल्टरनेटिंग और साइक्लिक स्ट्रेसेस ऑफ एन इंटेंसिटी कंसिडरेबली बिलो द नॉर्मल स्ट्रेंथ। देखिए क्या बोलना चाह रहा है कि आपका जो मटेरियल है ना, इसमें जो मैक्सिमम इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते हैं वो इसी मैकेनिज्म से फेल होते हैं, और इसके अंदर सबसे पहले क्रैक जनरेट होता है, और ये फेलियर की जो जिस तरह का जो फेलियर होता है इसके अंदर वो ब्रिटल होता है, उसके नीचे मतलब ब्रिटल फेलियर की तरह फेल होता है, क्रैक जनरेट होगा, क्रैक प्रोपोगेट होगा, ठीक है, और अल्टीमेटली मटेरियल आपका फेल हो जाएगा। और ये आपकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, जो आपका जो आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी कंसिडर किया, उसके बाद जो आपकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, आपको लगता है कि यहाँ जाके आपने जो कैलकुलेशंस की हैं नॉर्मल कंडीशंस पे, आपको लगता है कि एक्स पॉइंट पे फेल होगा, लेकिन जब आप फटीग की बात करते हैं तो मटेरियल आपका उससे पहले फेल हो जाता है। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज देयर। तो साइक्लिक लोडिंग की बात की है, साइक्लिक मतलब 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, ठीक है, रिपीटेटिव या फिर आप ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेस की बात हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, द नंबर ऑफ साइकिल्स रिक्वायर्ड टू कॉज फटीग फेलियर एट अ पर्टिकुलर पीक स्ट्रेस इज जनरली क्वाइट लार्ज बट इट डिक्रीजेस एज द स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड। अब ये देखना है कि कितनी साइकिल्स पे, मान लीजिए आपने स्ट्रेस को कांस्टेंट कर दिया, और आप फिर देखते हैं कि कितनी साइकिल्स पे ये मटेरियल हमारा फेल हो जाएगा। तो इन जनरल जो आपके डिज़ाइन किए जाते हैं मटेरियल्स, वो मिलियंस ऑफ आरपीएम्स के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है, तो बहुत लार्ज अमाउंट होता है, बहुत लार्ज लाइफ होती है, लेकिन अगर आपने स्ट्रेस इंक्रीज़ कर दिया, लोड इंक्रीज़ कर दिया, देन द फेलियर, द रेट ऑफ फेलियर और जिस साइकिल्स पर फेल हो कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। मतलब अगर आपको लगता है कि 10 मिलियन साइकिल्स पर फेल होगा तो हो सकता है कि आपका 7 मिलियन साइकिल्स पर ही फेल हो जाए। और यही एक रीज़न है कि आपके जैसे बाइक है, कार है, उसके अंदर स्टैंडर्ड आरपीएम्स दे रखे होते हैं, एक रेड लाइन होती है और एक ग्रीन होती है। ग्रीन तक मतलब वो आपकी सेफ्टी लिमिट्स के अंदर ऑपरेट करवा रहे हो व्हीकल को, लेकिन आप जब रेड आरपीएम्स पे चले जाते हैं दैट मीन्स कि आपके जो आरपीएम्स होंगे इतने होंगे कि फटीग का जो चांसेस है, फटीग फेलियर की जो चांसेस है, दैट विल इंक्रीज इन द कमिंग फ्यूचर। इन केस ऑफ सम माइल्ड स्टील साइक्लिक स्ट्रेसेस कैन बी कंटिन्यूड इनडेफिनेटली प्रोवाइडेड द पीक स्ट्रेस फटीग स्ट्रेंथ इज़ बिलो द एंड्योरेंस लिमिट वैल्यू। देखिए कई बार ऐसा होता है जो आपकी एंड्योरेंस लिमिट होती है, जो
एंड्योरेंस लिमिट वो लिमिट है बेसिकली जो आप साइक्लिक स्ट्रेस अगर इनफाइनाइट टाइम तक भी देते जाओगे तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। मतलब आपने आपका जो फटीग फेलियर है वो अगर आपने आपकी फटीग स्ट्रेंथ से एंड्योरेंस लिमिट से नीचे रख रखा है, मतलब आपने स्ट्रेस जो लगा रखा है वो काफ़ी कम है, और साइकिल्स अगर आप इनफाइनाइट भी ले जाओगे उस स्ट्रेस पे, तो आपका जो मटेरियल होगा फेल नहीं होगा। देखिए रिलेशनशिप आपके साइकिल से साइक्लिक 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 लोड से प्लस स्ट्रेस से है रिलेशन, और टाइम से है। तो अगर आप साइकिल्स बढ़ाते हैं देन इट इज़ ओके, अगर आप एंड्योरेंस लिमिट से नीचे हैं। लेकिन अगर आपने साइकिल्स बढ़ाई और साथ साथ लोड भी बढ़ा दिया तो आपका फेलियर जल्दी होगा। एंड्योरेंस लिमिट इज़ वेयर द एम्पलीट्यूड और रेंज ऑफ साइक्लिक स्ट्रेस दैट कैन बी अप्लाई टू द मटीरियल विदाउट कॉजिंग फटीग फेलियर, ठीक है, बता दिया है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग फटीग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ लोडिंग, कैसी लोडिंग है, कितनी फ्रिक्वेंटली लोड हो रहा है और अनलोड हो रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लोडिंग से क्या समझेंगे आप? एक फ्रीक्वेंसी है जिसमें लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग, ठीक है। लोडिंग कंडीशंस क्या है आपकी? हाई टेम्परेचर्स पे लोड कर रहे हैं, लो टेम्परेचर्स पे लोड कर रहे हैं, या फिर जो इम्पैक्ट लोडिंग है किस तरह की लोडिंग है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर क्रोशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोड हो रहा है तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेट होने लग जाएंगे, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगी तो क्या होगा, फेलियर के चांसेस आपकी बढ़ जाएंगी। टेम्परेचर, देन टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट फैक्टर, बता दिया है आपको। हाई टेम्परेचर पे आपका फटीग फेलियर इन्हेंस हो जाता है, जल्दी फेल होता है आपका मटीरियल। लो टेम्परेचर्स पे कंपैरेटिवली ठीक रहता है, लेकिन और भी ज़्यादा लो टेम्परेचर पे चले, नेगेटिव में चले जाएंगे तो भी आपका मटेरियल के फेलियर की चांसेस बढ़ जाती है थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से। नाउ कम्स द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। आई टोल्ड यू अगर कहीं पे भी एजेस हैं, शार्प कॉर्नर्स हैं, ऐसी जगह है जहाँ पे स्ट्रेस जो है आपकी स्ट्रेस जो लाइन्स है जो पास नहीं हो पा रही है, दैट मीन्स योर मटीरियल विल फेल बिफोर योर एंड्योरेंस लिमिट और योर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। द फटीग फेलियर इज ड्यू टू प्रोग्रेसिव प्रोपोगेशन ऑफ फ्लॉज इन स्टील अंडर साइक्लिक लोडिंग, दिस इज पार्शली एनहेंस्ड बाय द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन द टिप ऑफ सच फ्लोज और क्रैक्स। सॉरी गाइस, तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को क्यों फेल हो रहा है, किस कंडीशन की वजह से फेल हो रहा है, किस तरह से क्रैक्स प्रोपोगेट होगा उसके बाद वो फेल होगा। तीन स्टेजेस होती हैं आपके फटीग फेलियर के अंदर। एक तो होगा सबसे पहला क्रैक इनिशिएट होगा इन द एरियाज ऑफ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन या स्ट्रेस रेजर। सबसे पहले क्रैक इनिशिएट कहाँ होगा? जहाँ पे भी आपकी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेट हो रही है, जो स्ट्रेस लाइन से कॉन्सेंट्रेट हो रही है, एक नॉर्मली फ्लो नहीं हो पा रही है, उसके बाद वो क्रैक आपका धीरे धीरे बढ़ेगा, इंक्रीमेंटल क्रैक प्रोपोगेशन होगा। फिर आपका फाइनल रैपिड क्रैक प्रोपोगेशन होगा आफ्टर क्रैक रीचेस क्रिटिकल साइज। देखिए पहले धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर एकदम से बढ़ेगा और फिर आपका मटेरियल फेल हो जाएगा। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एनी पार्ट सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्ट्रेसेस विल फेल बाय फटीग लाइक क्रैक इन टर्बाइन ब्लेड्स, ब्रेकिंग वायर एक्सेट्रा। वायर्स के अंदर इफेक्ट आपके क्या नाम है फटीग फेलियर होता है, क्योंकि उनके अंदर भी इम्पल्स चलते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट चलता है, तो उसके अंदर जो अगर रिपीटेड स्ट्रेसेस उसकी वजह से जनरेट हो रही है तो फेल होगा। और एग्जांपल्स हो गए हैं टर्बाइन ब्लेड्स हो गए हैं, ब्रेकिंग वायर्स हो गए हैं। और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं फटीग लाइफ ऑफ मटेरियल? फटीग फेलियर मेनली स्टार्ट फ्रॉम द डिफेक्ट्स ऑन द सर्फेस। अगर सर्फेस पे डिफेक्ट्स हैं तो कोशिश करें कि मशीनिंग ऑपरेशन आपका इतना परफेक्ट हो, इतना तरीके से हो कि सर्फेस पे कोई आपके डिफॉर्मिटीज़ नहीं हो जो कि आपके क्रैक को इनिशिएट कर सकें। सो दिस कैन बी अचीव्ड बाय मॉडिफाइंग द सर्फेस ऑफ मटीरियल थ्रू ईदर अलॉइंग एडिशंस, मैकेनिकल डिफॉर्मेशन और माइक्रो स्ट्रक्चर कंट्रोल। देखिए ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारी तो मैकेनिज्म है, या माइक्रो स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर सकते हैं, अलॉय कर सकते हैं, मतलब एक मेटल से एक सिर्फ एक मेटल से किसी चीज़ को ना बनाएं, एक से ज़्यादा मेटल के अलॉयस मिक्स करके बनाएं, जैसे स्टेनलेस स्टील हुआ, वैनेडियम हुआ, टंगस्टन हुआ। और जो आप दूसरा काम कर सकते हैं, आप किस प्रोसेस से अपने मटेरियल को बनाएं, अगर आप फॉर्जिंग से बनाएंगे तो कंपैरेटिवली द लाइफ ऑफ द मटेरियल विल बी मोर, बिकॉज द मटीरियल इज़ वेरी कॉम्पैक्ट और वो इस तरह से ही डिज़ाइन होता है, इस तरह से उसकी प्रोसेसिंग होती है कि फटीग लाइफ उसकी इंक्रीज होती है। सो नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, क्रीप। सो वॉट इज क्रीप? अ क्रीप मे बी डिफाइंड एज अ टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन एट एलिवेटेड टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट स्ट्रेस। देखिए क्रीप में क्या होता है कि आप एक लोड को कॉन्स्टेंट कर देते हैं, ठीक है, लोड कॉन्स्टेंट है लेकिन आपका जो स्ट्रेस है वो भी कांस्टेंट है क्योंकि लोड कांस्टेंट है, लेकिन क्या होता है समय बहुत लंबा लेके चलते हैं हम इसके अंदर।
और टेम्परेचर अगर आप वहाँ पे इंक्रीज़ कर देते हैं तो जो आपका मटेरियल होता है, जो आपका स्ट्रक्चर होता है, वो खुद के लोड की वजह से ही फेल हो जाता है। सो क्रीप में बी डिफाइंड एज अ टाइम डिपेंडेंट ऑन डिफॉर्मेशन एट एलिवेटेड टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट स्ट्रेस। एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स एंड स्ट्रेसेस मच लेस देन द हाई टेम्परेचर यील्ड स्ट्रेस मेटल अंडरगो परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कॉल्ड क्रीप। क्या होता है कि आपने स्ट्रेस सेम रखा है लेकिन टेम्परेचर बहुत बढ़ा दी है, तो क्या होगा, जो मटेरियल की प्रॉपर्टी इस तरह से होती है कि वो हाई टेम्परेचर्स पे अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर की वजह से जो डिफॉर्मेशन आ रहा है किसी भी मटेरियल के अंदर, सिर्फ एक कांस्टेंट लोड की वजह से, खुद के लोड की वजह से भी हो सकता है या एक्सटर्नल लोड की वजह से भी हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट होगा ओवर द टाइम, दैट डिफॉर्मेशन इज नोन एज क्रीप। एग्जाम्पल्स, द एंड ऑफ यूजफुल सर्विस लाइफ ऑफ अ हाई टेम्परेचर कॉम्पोनेंट इन अ बॉयलर। मान लीजिए बॉयलर में आप कोई एक ऐसा कॉम्पोनेंट ले रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स के बीच में आता है और उसकी जो लाइफ है कंपैरेटिवली जल्दी फेल हो जाती है। क्यों? अगर नॉर्मल कंडीशंस में रखते तो नहीं होता फेल, लेकिन बॉयलर में क्योंकि हाई टेम्परेचर्स की वजह से उसको बियर करना पड़ रहा है तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होती है कंपैरेटिवली। सुपर हीटर हुआ, जैसे री हीटर ट्यूब्स होती हैं और हेडल्स होते हैं एग्जाम्पल के लिए, इज़ यूजुअली फेलियर बाई क्रीप और स्ट्रेस रप्चर मैकेनिज्म। अदर टेम्परेचर एप्लीकेशंस लाइक ऑयल रिफाइनरीज एंड स्टीम टर्बाइंस में ऑल्सो फेल बाई क्रीप। ठीक है, ऑयल रिफाइनरीज के अंदर जो आपके कंपोनेंट यूज़ होते हैं, स्टीम टर्बाइंस जो आपकी यूज़ होती हैं, जो भी हाई, बहुत हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर बियर करती हैं, बहुत हाई अमाउंट ऑफ फोर्स बियर करती हैं, तो वो भी क्रीप से फेल हो जाते हैं। तो क्रीप इज़ जनरली मिनिमाइज इन मटीरियल विद। कैसे मिनिमाइज़ करेंगे, क्रीप कैसे कम कर पाएंगे? सबसे पहला है हाई मेल्टिंग टेम्परेचर वाले मटीरियल यूज़ करें। ऐसे मटीरियल यूज़ करें आप जो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ज़्यादा हो, इलास्टिक मॉडुलस ज़्यादा हो, मतलब फेल होने से पहले ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो उसका, लार्ज ग्रेन साइज़ हो, इनहिबिट्स ग्रेन बाउंड्री स्लाइडिंग। क्या ग्रेन साइज़ ज़्यादा बड़ी होती है तो क्या है कि कोरस स्ट्रक्चर होता है आपका थोड़ा सा, तो डक्टिलिटी बढ़ाता है ये, इसलिए ग्रेन साइज़ भी आपका ज़्यादा होना ज़रूरी है। ओके सो ठीक है, कौन से मटेरियल्स होते हैं जो क्रीप से रेजिस्टेंट होते हैं ये देख लेते हैं। कंपैरेटिव रेजिस्टेंस है, देखिए 100% रेजिस्टेंस कोई नहीं हो सकता है। स्टेनलेस स्टील है, ये रेजिस्टेंस मिलेगा आपको। रिफ्रैक्टरी मटेरियल से कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट्स लाइक NbMo, मॉलिब्डेनियम, टंगस्टन, तो ये अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको आपको क्या है कंपैरेटिवली जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी। सुपर अलॉयज होते हैं, जैसे कोबाल्ट का होगा, निकल बेस्ड हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन, हार्डनिंग एंड सेकेंडरी फेजेस। तो ये थोड़ा टेक्निकल डिटेल्स ज़्यादा हैं बट फिर भी ठीक है, आपकी नॉलेज पर्पज़ से ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें मोलिब्डेनियम है आपके, है टंगस्टन आपके, है टेलियम आपके है। तो फेलियर मटेरियल्स की बात करते हैं, डक्टाइल मटेरियल्स, ब्रिटल मटेरियल्स। डक्टाइल मटेरियल फेलियर कैसा होगा, थोड़ा पहले डिफॉर्मेशन होगा उसके बाद फेल होगा। ब्रिटल में क्या होगा, फेलियर हैपन्स विदाउट और विथ लिटिल डिफॉर्मेशन, या तो डिफॉर्मेशन होगा ही नहीं, या होगा तो कभी कभी बहुत कम होगा। डक्टाइल में देर इज़ अ रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, डक्टाइल में आपको क्रॉस सेक्शन एरिया में कमी आती है, लेकिन यहाँ ब्रिटल में आपके नेग्लिजिबल, या तो नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज हो गया, फिर होगा ही नहीं। और यहाँ पे है फ्रैक्चर ऑकर्स आफ्टर नेकिंग, नेकिंग होगा मतलब आपका क्रॉस सेक्शन एरिया पतला होगा, काफ़ी पतला होगा, फिर एकदम से टूटेगा, कप कोन फ्रैक्चर जिसे हम कहते हैं। और यहाँ पे जो फ्रैक्चर होता है इंस्टेंटेनियस होता है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ वाला फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट जो टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है, और आपका यूनिट सेकंड की हम अब लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। सो नाउ इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और इफ़ आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया देन ऑल्सो यू कैन आस्क मी, आई विल रिपीट द टॉपिक इन द क्लास। थैंक यू वेरी मच।